हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धर्म चाहे कोई भी हो, धार्मिक स्थल चाहे कोई भी हो, श्रद्धा और विश्वास लोगों को वहां खींच ही लाता है। अमीर हो या गरीब, हर इंसान को यही लगता है कि उसकी सारी मुश्किलों का हल भगवान के पास है। उन्हें जो भी चाहिए भगवान उन्हें वो जरूर देंगे, और इसी विश्वास की वजह से रोज लाखों की तादाद में लोग मंदिर जाते हैं अपने दुख अपनी परेशानियां लेकर। सबको भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को मन की शांति, किसी को पैसा, तो किसी को प्यार। मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्नमृतमृतं चाहिरन्नेन सवितः रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ॐ जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं ॐ जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं। बहन जी, बहन जी, बहन जी, परिक इसके शरीर पे घाव के निशान तो हैं, लेकिन पुराने हैं। सर, कहीं ये आत्महत्या का केस तो नहीं? अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा। ध्यान से देखो इसको, इसने शादी का जोड़ा तो पहना है, लेकिन इसके शरीर पर कोई भी जेवरात नहीं है, यहाँ तक कि इसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। मतलब किसी ने गहनों के लिए मारा इसे? शायद। सर, मंदिर में काफी लोग जानते थे इसे, वहाँ रोज पूजा के लिए आते थे। इसका एड्रेस पता कर लिया है हमने। भाई, एक काम करो, फॉरेंसिक्स को इन्फॉर्म करो और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ठीक है? जी सर। इंसान जब हर तरफ से परेशान हो जाता है तो वो भगवान के घर में जाता है, लेकिन अगर भगवान के घर में भी वो सुरक्षित ना हो तो कहां जाए वो। मंदिर में एक औरत का लाश मिलना बात नई जरूर थी, पर हैरानी की नहीं। धार्मिक जगहों पर लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं बिना किसी डर या शक के, लेकिन कुछ स्वार्थी और लालची लोग उनके इसी विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने आए लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहां उनकी जान को खतरा हो सकता है, पर ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ सूरत के एक मंदिर में। हमेशा धमकाता रहता था साहब, आज उसने सचमुच मेरी बच्ची को मार डाला। साहब, ये उसके पति नहीं किया है। आप उसे मत छोड़ना, आप उसे साहब मत छोड़ना। पहले क्यों नहीं मिली मुझे, शादी कर लेता मैं तुमसे। अच्छा, और जब मन भर जाता तो किसी दूसरी को बुला लेते, जैसे मुझे बुलाते हो सुधा के जाने के बाद। अच्छा, ताना दे रही हो? तो ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे, कब से चल रहा है ये सब? तुम्हारी तो ड्यूटी थी ना। और तू, सुना तो बहुत था तेरे बारे में, पर ये सोचा नहीं था कि तू मेरे बेडरूम तक पहुंच जाएगी। चल निकल यहां से, अभी निकल। टीवी है ना, टीवी बन कर रहे, प्रेमिका बनने की कोशिश मत कर, समझी? जान से मार दूंगा वरना। उस दिन सुधा अपना घर छोड़कर आ गई थी, पिछले एक हफ्ते से यहाँ रह रही थी,
लेकिन उसे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया। उसे उसकी शादी के गहने जो ससुराल उन भाईके से मिले थे मांग रहा था। सुधा जानती थी कि ये गहने वो अपने दूसरी औरत को देगा, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त कहाँ होगा वो? अखिल शाह जी, सुधा तेरी पत्नी थी? थी नहीं, है साहब। तलाक नहीं हुआ हमारा अब तक। मर चुकी है वो। क्या? कैसे मारा तूने उसको? बोल बोल। ए रुक रुक। सर पकड़ उसको, उतार नीचे, उतार नीचे। पुलिस वाले इधर से करता है, हाँ, हाँ, चल, चल। हसबुक, लेडी कॉन्स्टेबल बुला, कपड़े पहन, पहन जल्दी। तुझे मेरे पूछने का शायद तरीका पसंद ना आए, इसलिए सच सच बता दे। मैं डर गया था सर, इसलिए भाग रहा था। जब तूने कुछ किया ही नहीं तो डरा क्यों? दो दिन पहले उसने मुझे कहा था सर, वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। आपने जब उसकी मौत की खबर सुनाई तो मुझे लगा कि वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। पुलिस को बेवकूफ समझता है तू? नहीं सर, सच सच बता। सच बोल रहा हूँ। कल रात में तू कहाँ था? घर पर ही थे, मेरा यकीन मानो, हम दोनों कल रात को घर पर ही थे। ज्वेलरी कहाँ है? कौन सी ज्वेलरी? तेरी पत्नी की ज्वेलरी, सुधा की ज्वेलरी, जिसको मारकर तूने छुपाया है। मेरा यकीन मानिए सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, मैंने उसकी कोई ज्वेलरी नहीं ली। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते। कहीं ऐसा ना हो तलाशी में गहनों के साथ साथ कोई दूसरा सबूत मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 2-4 साल के कैद नहीं बल्कि सिर्फ फांसी होगी तुम्हें। प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें बचाना हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे खुद के हाथ। इसलिए अभी भी कहता हूँ कि अपने जुर्म को कबूल कर लो और पुलिस की गवाह बन जाओ। हो सकता है तुम्हारी सजा कम कर दी जाए। जब जुर्म किया ही नहीं तो कबूल कैसे कर लो सर? हाँ, झगड़ा जरूर होता था मेरी बीवी के साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे जान से मार दूँ। मेरा यकीन मानिए सर, मैं शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है? तेरी शराफत अच्छी तरह से मैं देख चुका हूँ, वो भी तेरे बेडरूम में। सर बहुत ही पहुंची हुई चीज है, इतनी आसानी से नहीं बोलने वाला। मैं जानता हूँ कमीना है, लेकिन किसी का मर्डर करे उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। सर, सुधा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। Cause of death, potassium cyanide. Cyanide? सर ये तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाला जहर है, इन दोनों के पास कहां से आया होगा? हो सकता है इन दोनों ने कत्ल नहीं किया हो, किसी प्रोफेशनल किलर से करवाया हो, लेकिन पारिक हम बगैर सबूत के किसी को लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। जाने दो उन दोनों को, लेकिन उन पर नजर रखो, वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके फोन और बैंक के रिकॉर्ड्स पर नजर रखो। पिछले 1 हफ्ते में इन्होंने किसी क्रिमिनल से बात किया या फिर इनके अकाउंट से कोई हैवी अमाउंट निकाला गया है। इस तरह की अगर तुमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्फॉर्म मी। ओके? यस सर। पुलिस का सीधा शक सुधा के पति पर गया, क्योंकि उसके कला नाम की औरत के साथ नाजायज संबंध। पुलिस ने 6 महीने तक सुधा के पति और कला पर नजर रखी, लेकिन पुलिस को उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब तक पुलिस इसे एक साधारण हत्या का केस मानकर चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन अखबार में एक ऐसी खबर छपी जिसने पुलिस का इस केस को लेकर नजरिया ही बदल कर रख दिया। 6 महीने के बाद अचानक पुलिस को इस केस में नई दिशा मिली, और ये केस पुलिस की सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और भयानक निकला। Was
ऑफ डेथ पोटेशियम साइनाइड। ससुराल वालों के दबाव में आकर इस बेचारे ने आत्महत्या कर ली सर। अब लड़का या लड़की पैदा करना औरत के हाथ में तो होता नहीं है सर, पर इन पढ़े लिखे लोगों को खानदान के लिए वारिस की जरूरत थी। दो बार जबरदस्ती से अबॉर्शन करा चुके थे सर। दिन रात कोसते थे, फिर तंग आकर यह औरत मंदिर गई और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सर सीधी सादी तो केस है सर। जितना इजी तुम इस केस को समझ रहे हो संपद, उतना इजी है नहीं, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने इसी तरह के केस की इन्वेस्टिगेशन सूरत में की थी। तारिक ये देखो, ये है विक्टिम। दोनों ही केसेस में औरत शादीशुदा थी, लेकिन मर्डर के वक्त जब वो पाई गई तो एक नई नवेली दुल्हन की तरह शादी के जोड़े में थी, लेकिन उसके जिस्म पर एक भी ज्वेलरी नहीं थी। दोनों ही केसेस में उसको साइनाइड देकर मारा गया और दोनों ही केसेस में उसको मंदिर पर ही मारा गया। संपत गुजरात के छोटे बड़े सभी एरिया के पुलिस स्टेशन से यह पता करो इस पैटर्न के मर्डर्स और हुए हैं क्या। बिल्कुल सर। पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला। 2004 से लेकर 2013 तक भरूच, दाहोद और नर्मदा में कुछ और ऐसे ही केसेस सामने आए और हर केस में मरने वाली औरत शादीशुदा थी और मरने की वजह साइनाइड। 3 सालों में 4 मर्डर्स और सब मर्डर्स का पैटर्न भी सेम है। मंदिर के पास औरत की लाश का मिलना, वो भी शादी के जोड़े में, और मौत की वजह साइनाइड और सभी के शरीर से ज्वेलरी गायब। यस सर। संपत, मुझे ये एक सीरियल किलिंग लगती है। किलर विक्टिम को लेकर मंदिर आता है, उसके बाद में उसकी हत्या करता है, बाद में सारी ज्वेलरी निकाल के महीनों के लिए गायब हो जाता है। पर सर सवाल यह है कि क्यों ये औरतें उसके कहने पे पूरी ज्वेलरी पहन के आती होंगी, वो भी अकेली। पहले ऐसे नहीं थे मेरे पति, पिछले कुछ ही सालों में बिल्कुल बदल गए हैं। मैंने सब कुछ करके देखा, पूजा की, व्रत किया, जिसने जो कहा सब किया, लेकिन इनकी शराब पीने की आदत छूटी नहीं रही है। कभी शराब पीने के वजह से काम छूट जाता है तो कभी काम छूटने की वजह से शराब पी लेते हैं। पता है पंडित जी आपको, हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन ना वो मुझसे बात करते हैं ना मेरे बच्चे के साथ खेलते। अब आप ही कुछ उपाय बताइए पंडित जी। देखो बेटा, मंदिर में एक रजिस्टर है, उसमें अपना और अपने पति का नाम और साथ में गोत्र लिख देना। जब शाम को आरती करूंगा ना, तब तो दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। मेरा घर परिवार बचाने के लिए मैं जो हो सके मुझसे मैं वो सब करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। अलर्ट इशू करना पड़ेगा सर, खासकर टेंपल अथॉरिटीज को, ताकि वहां आने वाले लोगों को सचेत किया जा सके। इस केस के सभी विटनेस की फैमिली से, विटनेसेस से, यहाँ तक कि जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ की प्रशासन से और जो लोग वहाँ पर रोज आते जाते हैं उन सभी से पूछताछ करो। Yes. मुझे यकीन है कि हमें जरूर कोई कॉमन लिंक मिलेगा इन केसेस के बीच में। Yes, okay. इससे पहले उस किलर का निशाना कोई और बने हमें उसे पकड़ना होगा। वी नीड टू मूव फास्ट ऑन दिस। Yes. खूनी का मकसद और खून करने का तरीका बिल्कुल साफ हो गया था। धुंधली थी तो बस उसकी पहचान, और कुछ घटनाएं इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उनसे जुड़े लोगों की याददाश्त भी धुंधला चुकी थी। अब खूनी को ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। पुलिस हर घटना स्थल का फिर से जायजा ले रही थी, लोगों के बयान इकट्ठा कर रही थी, सबूत ढूंढ रही थी। सभी विक्टिम्स के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही थी ताकि कोई ऐसा सिरा मिल जाए जिसे थाम के इस केस की तह तक पहुंचा जा सके। आपको कुछ भी पता हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमें बताइए। वो रोज मंदिर जाती थी लेकिन एक दिन मंदिर से घर वापस ही नहीं आई। किससे मिलती थी? एक बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही थी। क्या उम्र होगी उसकी? शायद 50-60 के आसपास की होगी। इसका मतलब आप उससे मिल चुकी हैं। अगर आप उसे दोबारा मिलेंगे क्या उसे पहचान लेंगी? नहीं सर, मैं उनसे नहीं मिली। आपने उसकी उम्र क्या बताई? ये कोई लगभग 40-50 साल।
इन सारे केसेस में मर्डर्स के पैटर्न के अलावा दो बातें कॉमन है। पहली बात यह है कि ये सारी विक्टिम्स अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि ये मंदिर में एक मिडिल एजेड औरत से मिलती थी जो इनकी स्पिरिचुअल गाइड बनके इनको मार्गदर्शन कराती थी। पर सर प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी फैमिलीज में सिर्फ एक ही फैमिली ने देखा इस औरत को, और वो भी 3 साल पहले। उन्हें उसका हुलिया बिल्कुल भी याद नहीं, इसलिए हम स्केच भी नहीं बना पाए उसका। और सर रिसेंट केसेस में किसी ने उसे नहीं देखा, सिर्फ सुना है उसके बारे में। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं बता सकते कि ये काम सिर्फ एक औरत का या फिर उसके पीछे कोई गैंग इन्वॉल्व है। संपत, यस सर, तुम एक काम करो, गुजरात के जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पर अपनी पुलिस तैनात कर दो और उनको इत्तला कर दो, अगर वो किसी औरत को शादी के जोड़े में देखें या फिर किसी अनजान औरतों से मिलते हुए देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। पर सर गुजरात में हजारों मंदिर है और हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि हर जगह पे उन्हें तैनात किया जा सके। तुम उन मंदिर को टारगेट करो जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसे क्राइम, ऐसे मर्डर्स, ऐसे हादसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही होते हैं। ओके सर, इज दैट क्लियर? और बाकी छोटे टेम्पल्स हैं वहाँ पे आप अनाउंसमेंट करा दीजिए, इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए ताकि वो लोग सतर्क रहें। औरत अगर बर्दाश्त करने पे आए तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन यहाँ तो मेरे पति ही मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। शायद इसीलिए करुण ने सारी हदें पार कर दी। खाना गरम करो। देखिए जरा आराम से बात कीजिए, अभी अभी नैना सोई है, अड़ोस पड़ोस वाले सारे हमारी बातें सुनते रहते हैं। ए, तो तुम मेरे को सिखाएगी कि मुझे मेरे घर में कैसी बात करनी है? तुम सिखाओगी? अच्छा, अब मेरे पास आने से भी तुम्हें तकलीफ होने लगी। मुझे छूट दे रखी है ना मैंने तुझे, या कोई और ढूंढ लिया तूने? जोर दिखा, अब दिखा, दिखा। पता नहीं शराब पीने के बाद उन्हें क्या हो जाता है, वो रहते ही नहीं है, कुछ और बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं वो। दुख जब लंबा चले ना तो समझ जाना सुख आने ही वाला है। सुख तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ, पता नहीं कब आएगा। मैं याद दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुहागन पूजा करनी पड़ेगी। सुहागन पूजा? हाँ, जो एक पत्नी दिन भर भूखी रहकर आधी रात को अपने पति को बिना बताए करती है। शास्त्रों में भी इसके बारे में साफ लिखा है। अच्छा, लेकिन पूजा थोड़ी कठिन है, पता नहीं कर पाओगी भी या नहीं। मैं ये पूजा जरूर करूंगी, अपना सुहाग बचाने के लिए और अपना घर परिवार बचाने के लिए जरूर करूंगी मैं। जिस तरह सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति को बचाया था, उसी तरह तुम तकदीर से लड़ोगी और जीतोगी। पता नहीं शराब पीने के बाद उन्हें क्या हो जाता है, वो रहते ही नहीं है, कुछ और बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं वो। दुख जब लंबा चले ना तो समझ जाना सुख आने ही वाला है। सुख तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ, पता नहीं कब आएगा। मैं याद दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुहागन पूजा करनी पड़ेगी। सुहागन पूजा? हाँ, जो एक पत्नी दिन भर भूखी रहकर आधी रात को अपने पति को बिना बताए करती है। शास्त्रों में भी इसके बारे में साफ लिखा है। अच्छा, लेकिन पूजा थोड़ी कठिन है, पता नहीं कर पाओगी भी या नहीं। मैं ये पूजा जरूर करूंगी, अपना सुहाग बचाने के लिए और अपना घर परिवार बचाने के लिए जरूर करूंगी मैं। जिस तरह सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति को बचाया था, उसी तरह तुम तकदीर से लड़ोगी और जीतोगी। कृपया ध्यान दें, मंदिर के प्रांगण में किसी भी अनजान पुरुष या महिला से मेल जोल ना बढ़ाएं, उसके हाथ से प्रसाद या कोई भी अन्य खाने पीने की वस्तु ग्रहण ना करें। याद रहे, आपकी जरा सी असावधानी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सचेत रहिए और संदेह की स्थिति में तुरंत 100 पे फोन करके पुलिस को सूचित कीजिए। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आपके अपने हाथ में है। एक
इतने सारे गहने पहनकर मंदिर में क्यों आई है? आपके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। वो मैं, लेकिन याद रहे, अगर इस पूजा के बारे में तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी पूजा असफल हो जाएगी। नहीं, मैं इस पूजा के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। यहाँ आप अकेली आई हैं या आपके साथ कोई और है? मेरे साथ मेरे पति आए हैं, प्रसाद लाने गए हैं, इसलिए मैं शादी के जोड़े और पूरे गहनों के साथ आई। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए। हाँ। हेलो अल्फा, कमिंग कमिंग अल्फा। कम इन। हाँ सर, यहाँ मंदिर के पास एक लाश मिली है सर। व्हाट? पीछे हटो, पीछे हटो तुम लोग, पीछे पीछे हटे। पुलिस के तैनात होने के बाद भी कैसे हो गया ये मर्डर? किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे? सर, इतने सारे गहने देखने के बाद मैंने इन्हें वॉर्न किया, लेकिन इन्होंने कहा था ये अपने पति के साथ आई है। पति के साथ? सर हो सकता है पति के बारे में इसने झूठ कहा, लेकिन जिस किसी ने इसका कत्ल किया है उसने इस लड़की को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। फुल कॉन्फिडेंस। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मैं इस औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। कई सालों से यह औरत मंदिर में अकेले आती थी, पर कुछ दिन पहले एक अनजान औरत से बातें कर रही थी। पंडित जी, आप उस औरत का नाम जानते हैं? अच्छी तरह से तो नहीं जानता, लेकिन लोग उन्हें रेखा बहन के नाम से बुलाते हैं। रेखा, क्या आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा इंस्पेक्टर। विश्वास जब सोचने और समझने की शक्ति खो दे तो वो अंधविश्वास बन जाता है, और इसी अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं रेखा जैसे क्रिमिनल्स। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही थी, लोगों को सचेत और सतर्क रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन कनिका का उस पर ध्यान था ही नहीं। वो तो अपनी ही परेशानियों में इतनी उलझी हुई थी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वैसे भी हम सबको यही लगता है कि जुर्म तो दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा, और हमारी यही लापरवाही जुर्म करने वालों का काम आसान कर देती है। अच्छी बात यह हुई कि उस मंदिर के पुजारी ने समझदारी दिखाई और उसके आसपास जो हो रहा था उस पर ध्यान दिया, और उसी की वजह से आखिरकार पुलिस के हाथ में रेखा का स्केच आया। सर, ये स्केच सर्कुलेट कर दें टीवी में और प्रेस में भी? नहीं संभव, अभी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो औरत सतर्क हो या फिर अंडरग्राउंड हो जाए। तुम एक काम करो, इस स्केच को पुलिस डिपार्टमेंट में ही सर्कुलेट करो, ठीक है? राइट। इस केस के लिए हमें किसी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी होगी, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि उस औरत का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। अरे माँ, बड़े दिन लगा दिया। एक मिनट, ये भी दो। नहीं ये, अरे नहीं, ठीक है। अच्छा बिट्टू। ए बाबू। अच्छा बता, तुझे नानी की याद आई? आई कितनी याद आई बता। ओ इतनी याद आई, मुझे भी तेरी बहुत याद आई, बहुत याद आई। तो क्यों करती हो ये सब माँ? क्या जरूरत है यहाँ वहाँ जाकर जागरण में कीर्तन करने की? अरे ये सब पैसे के लिए थोड़ी ना करती हूँ मैं। अगर पैसे की चिंता होती तो वो मोटा भाई का काम क्यों छोड़ती? मुझे इससे मन की शांति मिलती है। अच्छा लगता है मुझे भगवान के कदमों में रहना, उनके गीत गाना, और अगर मन की शांति के साथ पैसा मिले तो क्या बुरा है? हाँ, बुराई वाली बात नहीं है माँ, पर तुम्हारी उम्र है क्या ये सब करने की? अरे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मुझे काम करने दे, फिर तो आराम ही करना है ना? अच्छा सुनो, तुम अभी ये खा लो। चल अपन खाते हैं, आ जा। खाएगा?
इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कई सारे केसेस में जहाँ विक्टिम ने चांदी के गहने पहने जैसे कि टोरिंग, पायल, इस औरत ने उन्हें छुआ भी नहीं है। आई थिंक गोल्ड के लिए अजीब सी फिक्सेशन है इस औरत में। हो सकता है गोल्ड को पाने की इच्छा या लालच इसे सारे मर्डर्स करवा रहा हो। सर मुझे तो लगता है इस औरत को लोगों को मारने में मजा आता है। अगर ऐसा होता ना तो ये औरत कभी भी किसी को भी कहीं भी मारती। लेकिन ये औरत हर मर्डर के पहले उस विक्टिम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और फिर उस विक्टिम का भरोसा जीतती है। सर मुझे तो लगता है ज्वेलरी के अलावा इसका और कोई मोटिव हो ही नहीं सकता। वो एक बहुत ही चालाक औरत है। हर एक मर्डर करने के बाद में 6 से 7 महीने तक वो शांत हो जाती है ताकि लोग उसे भूल जाएं और पुलिस का फोकस उससे हट जाए। ऑब्वियसली ऐसे हालत में पुलिस का उसको ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। आज ब्रेकिंग न्यूज में पंचमहल मंदिर के पीछे जंगल में एक और महिला की लाश पाई गई। पुलिस के वहां तैनात होने पर भी ये वारदात हुई है। पुलिस ने सारे इलाकों में अलर्ट जारी किया है और अनजान लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। बताओ आजकल मंदिरों में भी इंसान सेफ नहीं है, इसीलिए आपको समझाती रहती हूँ। भीड़ भाड़ वाली जगहों में तो जाने का जैसे जमाना ही नहीं रहा। अब नहीं जाऊंगी, बस खुश। सवाल ये उठता है कि साइनाइड आया कहाँ से इसके पास। इस सवाल का अगर जवाब मिल जाता डॉक्टर तो बहुत सारे सवाल के हल निकल आते हैं। हो सकता है ये औरत दोहरी जिंदगी जी रही हो और फिर जहाँ ये जॉब करती हो वहाँ साइनाइड का इस्तेमाल होता हो। लैब असिस्टेंट या फिर केमिकल फैक्ट्री वर्कर। ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो हायर पोस्ट पे नहीं होगी। संपत में काम करो, गुजरात में किन किन कारोबार में साइनाइड का इस्तेमाल होता है उनकी एक लिस्ट बनाओ। बिल्कुल सर। सर लिस्ट उन बिजनेस के जहां पे साइनाइड यूज होता है या फिर बेचा जाता है। सर लिस्ट इतनी लंबी है कि इस हिसाब से सालों लग जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी संपत। वैसे भी औरत मर्डर करने के बाद 6 से 7 महीने तक अंडरग्राउंड हो चुकी है। बेहतर तो यही होगा कि उसके अगले मूव का इंतजार करने के बजाय हम उस तक पहुंचने की कोशिश करें। और सर कहां से शुरू करेंगे? वहीं जहां उसने आखिरी मर्डर किया था। पंचमहल। पंचमहल। अरे 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 रेखा बेन, तुम कब आई? अरे इस बार तो काफी दिनों के बाद आई हो। जी मोटा भाई, वो क्या है ना, भगवान के कदमों में एक बार दिल लग जाता है तो आने का मन ही नहीं करता। आप हर ठीक से काम कर रही है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी तरह। अरे माँ तुम यहाँ? तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लाई थी, आजा बैठ। अरे माँ कितनी बार तुमसे कहा है कि यहाँ केमिकल है, यही ना? अरे बाबा वो केमिकल क्या बोतल से निकल कर तेरे तेरी प्लेट में आ जाएगा। माँ तुम्हें पता है साइनाइड कितना ज्यादा डेंजरस होता है, अगर गलती से भी हाथ लग गया तो। अरे बाबा बरसों काम किया है मैंने यहाँ, खाना ठंडा हो जाएगा, जा हाथ मुंह धो के आ। अरे पर... अरे जा।
जल्दी आ, खाना ठंडा हो रहा है। सर पंचमहल में कोई लीड मिली नहीं सर। इंसान को अपनी जिंदगी में उस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है जब वही चीज वो दूसरों के पास देखता है और बार बार देखता है। मेरे बेटे को एक क्रिकेट किट चाहिए, वो मेरे पास आता है, इज्जत करता है, क्योंकि यही क्रिकेट किट वो अपने दोस्तों के पास देखता है, रोज देखता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं समझाता हूँ। वो औरत को गोल्ड का ऑब्सेशन है और गोल्ड के लिए ही वो मर्डर करती है। गोल्ड की उसे लालच है और ये लालच उसके दिल में तब पैदा हुई जब उसने गहने देखे और किसी ऐसे इंसान के पास देखे जिसे वो रोज देखती है। मतलब वो गोल्ड उसे खरीद नहीं पाई तो उसने उसे छीन लिया। एग्जैक्टली। और ये लालच उसके दिल में अपने पहले विक्टिम को देख के हुई। मतलब उसका पहला मर्डर। उसका पहला मर्डर। और हो सकता है कि उसने अपना पहला मर्डर अपने ही शहर में किया हो। भरूच। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि वो औरत भरूच की रहने वाली थी और पुलिस ने भरूच का चप्पा चप्पा छान मारा, खासकर उन जगहों पर जहां पर साइनाइड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज, ज्वेलर्स, पेपर फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल मिल्स। रेखा का स्केच सब जगह दिखाया गया। 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे पुलिस को भरूच में रेखा की तलाश करते हुए, लेकिन रेखा की कोई खबर नहीं मिल रही थी। पर फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और अपने नेटवर्क को और फैला दिया। इस औरत को देखा है आपने कहीं? पर आखिरकार पुलिस को रेखा मिल गई। गौर से देखिए। काम करती थी उसके बाद? जागरण करती है और माता की चौकी करती है। माता की चौकी करती है, अच्छी तरह जानता हूं। ईयरिंग मिली है। ईयरिंग तुम्हारी? नहीं सर, मैंने ये कभी नहीं देखा। ध्यान से देखो। सच में सर, ये मेरी नहीं है। संपद, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सही जगह पे आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है सर, शायद हमें यहाँ आने में थोड़ी देरी होगी। खैर, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो लेट्स गो। तुझे चॉकलेट कौन लाके देता है? आप। मैं लाके देती हूँ ना, तो अभी चुप बैठ। मुझे भूख लगी है। जब यहाँ से उतरेंगे तुम कहीं खाना खा लेंगे, आई बात समझ में? और अभी हल्ला किया ना तो वो जो पुलिस देख रहा है ना, वो पकड़ के ले जाएगी तेरे को, समझा? चुप बैठ। देख देख पुलिस। नानी भूख लगी है। चल बेटा,
यही उतर जाते हैं, लगता है यहाँ देर हो जाएगी। मम्मी राह देख रही होगी ना। हाँ भैया ले लो, अच्छा चल जल्दी आ। Come in. सर आईएसबीडी सिग्नल पे सर एक औरत और एक बच्चा पाया गया है। सर चारों तरफ से तो नाकाबंदी लगी हुई है, तो से फ्लाईओवर पड़ता है। सर क्या इंस्ट्रक्शन है? से कहो कि हम पहुंच रहे हैं और दोनों तरफ से फ्लाईओवर बंद कर दें। हम लोग पहुंच रहे हैं, फ्लाईओवर दोनों तरफ से बंद कर दो, फ्लाईओवर बंद कर दो दोनों तरफ से। मेरी बात, मेरी बात सुनो, घंटे दिमाग से काम लो। अगर बिट्टू को कुछ हो गया तो तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। माँ मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो माँ। बोलो उनको मुझे जाने दे, बोलो उनको मुझे जाने दे, नहीं तो मैं फेंक दूंगी इसको। माँ ये बिट्टू से भी ज्यादा है तुम्हारे लिए, पैसा और सोना। और क्यों मारा तुमने इतने लोगों को? किसके लिए चाहिए हमें ये पैसा? तुमको लगता है ये सब मैंने पैसे के लिए किया है? अरे उन गहनों को तो मैंने छुआ तक नहीं, सबको संभाल के रखा हुआ है। और वो औरतें, वो तो गहना पहनने के लायक ही नहीं है। सोना सिर्फ उसके पास होना चाहिए जिसे सोने से प्यार हो, उसको सोने की कदर मालूम हो। माँ मोटा भाई की हमें दिन भर काम करती थी, सोने के बीज रहती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। लोग आते थे और सोना खरीद के ले जाते थे, वो खुशी मैं चाहती थी। जो भगवान ने मुझे नहीं दिया ना, वो मैंने उसके मंदिर में हासिल किया। मैं मंदिर में जाती और ढूंढती उन औरतों को जिनके पास सोना तो था पर सुख नहीं था। आठवीं बार साष्टांग प्रणाम, ताकि ईश्वर तुम्हारे पति को सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए। तुम अपने मंजिल के एकदम करीब हो। नौवीं बार साष्टांग प्रणाम, ताकि ईश्वर तुम्हारे पति को हिम्मत दे अपनी गलतियां मानने की और उसे सुधारने की। ये पूजा और कितनी बार करनी पड़ेगी माँ जी मुझे? बस पहली और आखिरी बार, इसके बाद बस सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। लो चरणामृत पियो। लो बहुत गुस्सा आता था मुझे। जुर्म चाहे कितनी भी चालाकी और सफाई से क्यों ना किया जाए, सामने आ ही जाता है। बेशक पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में काफी लंबा अरसा लग गया, पर आखिरकार रेखा जेल में थी, सलाखों के पीछे।
रेखा पर 6 हत्याओं के आरोप में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में रेखा की अपील पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये हम सभी जानते हैं कि जुर्म करने वाले हर इंसान का एक ना एक दिन यही अंजाम होता है, लेकिन लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो उस अंजाम की परवाह ही नहीं करता। लालच किसी जुनून से कम नहीं, और रेखा के जुनून ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी जब उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने ही नाती की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। रेखा ने पुलिस कस्टडी में कबूल किया कि उसे बचपन से ही सोने के गहनों से प्यार था, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें खरीद सके। इसलिए उसने एक सुनार की दुकान में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो सोने के गहनों को देख सके, छू सके। लेकिन जब कोई पसंदीदा चीज हमारे सामने होती है तो उसे पाने की लालसा मन में और बढ़ जाती है, और रेखा के साथ भी यही हुआ। उसे गहने चाहिए थे हर हाल में, खरीद नहीं सकती थी, इसलिए लोगों को मारकर लूटना शुरू कर दिया। रेखा ने उसी सुनार की दुकान से साइनाइड चुराया और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और एक के बाद एक जैसे जैसे रेखा का लालच बढ़ता गया, उसके शिकार भी बढ़ते गए। हालांकि ये केस बहुत ही उलझा हुआ और बिल्कुल अलग था, लेकिन पुलिस अपनी समझदारी और मेहनत से इस केस को सुलझाने में कामयाब रही, और ना जाने कनिका, आरती और सुधा जैसी कितनी ही औरतों की जान बच गई। जिंदगी में अपनी पसंदीदा चीजों की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पाने के लिए जुर्म का सहारा, वो गलत है। हमें अपनी परेशानियों का हल सही जगहों पर ढूंढना होगा। विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। आपसे कल मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में रात 11 बजे सिर्फ सोनी पर। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।